गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउली लॉन्ग विलेज, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। सो गुड मॉर्निंग, यहाँ से एक नया ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है। सो देखो, सुबह को बज चुका है करीब 8 और हम लोग बहुत पहले उठ गए थे नींद से, लेकिन इतना बारिश हो रहा था ना कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो ऊपर वाले की कृपा से बारिश तो रुका और हम लोग बाहर निकले। और इधर हम लोग जिस होम स्टे में रह रहे हैं, उस होम स्टे का नाम है रेस्ट एंड रिलैक्स होम स्टे। फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, एक बार नोट करके आप लोग इधर आना चाहते हो तो कॉल करके आ सकते हो। और देखो, नो एंट्री फॉर टूरिस्ट व्हीकल्स यहाँ पर है। नीचे से देखो कैसे पानी जा रहा है। और सो देखो, ये है द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। क्लीनेस्ट विलेज ऐसे ही नहीं बोला जाता है। देखो, पूरा एकदम साफ़ सुथरा है यहाँ पर। कोई भी कचरा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरा है। और पूरा फॉगी है क्योंकि सुबह है ना, तो इसलिए पूरा फॉगी है इधर। तो देखो, यहाँ पर एक होम स्टे है जो ट्री हाउस है। यहाँ से आपको इधर से जाना पड़ेगा और इधर है वो होम स्टे। बहुत ही ऊपर है लेकिन है भाई ऑसम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब से हम लोग इधर आए हैं ना, तब से यहाँ पर लोड शेडिंग है। अभी तक भी लोड शेडिंग है, पूरी रात लोड शेडिंग था। मैं कोई भी गैजेट चार्ज नहीं दे पाया और मेरा जो मोबाइल भी डेड है, सब कुछ डेड है। सिर्फ ये गोप्रो का 2 बैटरी है मेरे पास जो चार्ज है जिसमें, और सिर्फ गोप्रो का 2 बैटरी है जिसमें चार्ज है और कुछ भी नहीं है। सो और ये गोप्रो का 2 बैटरी चार्ज हुआ है सिर्फ और सिर्फ डोमी की वजह से, क्योंकि बाइक में मैं चार्ज में बिठा के रखा था ये 2 बैटरी। बस यही तो है सिचुएशन। मैं चाह कर भी मैं ड्रोन फुटेज नहीं ले पाऊँगा, चार्ज नहीं है। गोप्रो में चार्ज है लेकिन मोबाइल में चार्ज नहीं है। चलते चलते एक व्यू पॉइंट के सामने आ गए। यहाँ पर सूखा पेड़ है और इस पेड़ के नीचे मुर्गी है। चाहो तो यहाँ से लेके रोस्ट करके आप खा सकते हो। सो दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द मुर्गी। दिस इज द मुर्गी एंड कॉक। चलो रोस्ट करते हैं, चलो। ऐसे वैसे क्लीनेस्ट विलेज नहीं कहा जाता है। सुबह यहाँ पर जो भी पत्ता गिरा हुआ था ना, सब कुछ क्लीन हो रहा है इधर। सो पहुँच गए अपने होम स्टे पे। और मैंने डोमी कल रात को इधर पार्क कर दिया था क्योंकि इससे अच्छा शेड मुझे नहीं मिला इस होम स्टे में। और बस यही तो है होम स्टे। और हम लोगों का रूम जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ ऐसे दिस इज गांव से तो निकल चुके हैं और अब हम लोग एक व्यू पॉइंट में जा रहे हैं, वो है लिविंग रोड ब्रिज। शायद आप लोगों ने गूगल में देखा होगा, मैं भी गूगल में ही देखा था, लेकिन आज आंखों के सामने देखने का एक खुद की आंखों से देखने का एक मौका मिल गया है। तो चलो चलते हैं। रास्ता कुछ ऐसा है, नीचे तो जा रहे हैं लेकिन चलने में फट जाएगा। इधर दीदा पाथर बोले तो स्लीपर ही ऐसे है, ये तो देखे यहाँ पे। अगर आपको बहुत प्यास लग जाए तो पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक सब कुछ है, मिलेगा। और
बेसिकली ये तो रास्ता नहीं है, सिर्फ पत्थर है। यहाँ पर है टिकट काउंटर। इस पॉइंट से आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा, पर पर्सन 40 और कैमरे के लिए 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे पानी का आवाज़ इतना है, पता नहीं आप लोग ठीक ठाक सुन पा रहे हो या नहीं, लेकिन OMG वाटर रोड भाई। तो जिसको गूगल में देखता था आज वो सामने दिख गया, यही बड़ी बात है। गूगल में इसको देखता था पहले, यहाँ पर देखो पानी वगैरह है देख के। दिस इज द ब्रिज गाइस, दिस इज द लिविंग रोड ब्रिज आई गेस। वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो देख रहे हो नीचे कैसा है ब्रिज के। This is the living room bridge, guys. This is one of my achievements. Finally कर लिया। लिविंग रूम के ठीक सामने मैं हूँ। का ठिकाना तो अलग है, विथ माई वाइफ वाईफाई। इतने दिनों तक गूगल में सिर्फ देखता था, आज खुद के आंखों से देख रहा हूँ। सीरियसली इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। लिविंग रूम ब्रिज इस बार के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो ज़रूर फैमिली को लेके आऊँगा, फुल फैमिली। तो यहाँ पर चढ़ना बहुत टफ है मेरे लिए। तो मुझे वॉइस ओवर देना ही पड़ा गया इस, क्योंकि मेरा माइक का जो हालत है ना वो एकदम ही ख़राब हो चुका था उस वक्त। आवाज़ एकदम धीमा धीमा आ रहा है, जिसको वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब टाउकी की तरफ। तो टाउकी जाने से पहले ना दो बड़ा बड़ा वाटरफॉल आएगा, एक का नाम है ओमक्रीम वाटरफॉल और दूसरे का नाम उस फुटेज में शायद आप लोगों को पता चल जाएगा मैं नाम लिया था। लेकिन आप लोग देखोगे कि कितना बारिश हो रहा है, और कल रात से माउलीलोंग में जब हम लोग स्टे कर रहे थे कल रात को, तब से लेके अभी तक इतना बारिश हो रहा है। मैं लिटरली मोटो ब्लॉगिंग तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, बीच बीच में मैं सिर्फ गोप्रो को लगा रहा था। मतलब आप लोग देखोगे कि फ्लड कितना हुआ है चारों तरफ, ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया है। किसी किसी जगह पे तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा एकदम गांव जो है ना वो पानी के नीचे चला गया है। आप लोग देखो एक बार, और रास्ते का हालत बहुत ख़राब है। मतलब इतना फ्लड मैं आज तक मेरे लाइफ में नहीं देखा, और इतना बारिश मैं आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा। तो एक बार देखो एक्सपीरियंस करो आप भी मेरे साथ, और ऐसे ही वॉइस ओवर इन्जॉय करो। सो ये जो वाटरफॉल आप लोगों ने देखा ना गाइस, इसका नाम है बोर हिल वाटरफॉल्स, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये वाटरफॉल देखने में बहुत अच्छा लगा है। तो अब सामने चलते हैं, क्योंकि टाउकी अभी भी बहुत दूर है, और टाउकी जाने में और एक वाटरफॉल आएगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसका नाम है ओमक्रीम वाटरफॉल। सो चलो चलते हैं ओमक्रीम वाटरफॉल की तरफ, और आप लोगों को शानदार सा एक वाटरफॉल दिखाते हैं, और आसपास का व्यू तो आप लोग देख ही रहे हो। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है, चलो इन्जॉय करो।
तो यहाँ पर और एक वाटरफॉल है जो शायद देख पाओगे वो डरा देना। ये देखो गाइस क्या वाटरफॉल है इधर, ऑसम ऑसम इज ऑसम ऑसम गाइस। इधर से देखो पानी आ रहा है इधर, जाते जाते जो वाटरफॉल देखा उस वाटरफॉल को देखने के लिए रुक गया इधर। और वो वाटरफॉल देख रहे हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। और ये वाटरफॉल ना सीधा यहाँ से एकदम वो जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश बॉर्डर है तो उससे कनेक्ट करता है। और मेरा बाइक इस वक्त जिस जगह पे है ना उस जगह से एक बार ये वाला पत्थर देखो, मतलब और वो भी ठीक इस ब्रिज के नीचे। भाई ये बहुत ही खतरनाक पत्थर है भाई। आई डोंट नो अर्थक्वेक जब होता है तब क्या होगा, लेकिन भाई ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही डेंजरस पत्थर है। और हेयर इज द डोमी। तो ये जो वाटरफॉल आप लोगों ने देखा ना गाइस इसका नाम है बोर्ड हिल वाटरफॉल, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये वाटरफॉल देखने में बहुत अच्छा लगा है। तो अब सामने चलते हैं क्योंकि डाउकी अभी भी बहुत दूर है और डाउकी जाने में और एक वाटरफॉल आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसका नाम है ओमकिम वाटरफॉल। सो चलो चलते हैं ओमकिम वाटरफॉल की तरफ और आप लोगों को शानदार सा एक वाटरफॉल दिखाते हैं। और आसपास का व्यू तो आप लोग देख ही रहे हो, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है। चलो इन्जॉय करो। चलो वाटरफॉल के एकदम सामने जाते हैं। और इस ये जो वाटरफॉल है ना इस वाटरफॉल का नाम है ओमकिम वाटरफॉल। तो सी दिस गाइस, दिस इज द ओमकिम वाटरफॉल। ऑसम ऑसम, मतलब क्या ही बोले, बोलने का कोई दिस इज द वाटरफॉल गाइज। एक मिनट, लेंस बार बार क्लियर करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन ये जो वाटरफॉल है ना भाई गजब गजब ऑसम, फीलिंग ऑसम भाई। भाई सुन ना, मैं बोल रहा था कि यही क्या डाउकी है? ये डाउकी लेके बोटिंग नहीं जाएगा आप? नहीं बोटिंग सब सब रिवर देख नहीं सकता है। क्या हाल क्या हुआ है भाई, बारिश की वजह से ऐसा हाल है क्या? अच्छा क्रिस्टल क्लियर कब रहता है, विंटर में? क्रिस्टल क्लियर जो पानी रहता है वो क्या विंटर में रहता है? ये
अभी सीजन बारिश का सीजन ना, हाँ पूरा पूरा अलग हो गया काउकी रिवर गाइस। अब क्या करें, कुछ बोलने का या करने का है नहीं, सिर्फ देखने का है। और बारिश के मौसम में आया है ये तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल में भाई हाथ धो सकते हैं हम, लेकिन जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे भाई। तो दिस इज द रियल कंडीशन ऑफ डाउकी इन रेनी सीजन। देखो बोट सब ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। वो देखो उधर भी बोट है, वो भी ऊपर है, मतलब नदी का फ्लो इतना ज़्यादा है क्या ही बोले। और सो बैड लक, अब क्या करें गाइज, आप लोगों को वो क्रिस्टल क्लियर पानी मैं नहीं दिखा पाया कि कोई इतना बारिश हुआ था ना, पूरा डाउकी तो एकदम ख़त्म। सो होप फॉर द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं वो क्रिस्टल क्लियर पानी आप लोगों को दिखा पाऊँगा, मैं खुद भी देखूँगा और इन्जॉय भी करूँगा, बोटिंग भी करूँगा। सो दैट्स इट फॉर आवर मेघालय सीरीज। इसके बाद हम दोनों ने उधर से डायरेक्ट शिलोंग चले आए, उसके बाद दूसरे दिन शिलोंग से हम लोग चले आए अपने घर। मैं और ज़्यादा वीडियो नहीं किया क्योंकि फिर से एक तो माइक का प्रॉब्लम हो रहा था और दूसरा बारिश चालू हो गया था, मतलब एकदम दिमाग एकदम ख़राब हो गया था मेरा। सो आई होप आप लोगों को ये मेघालय सीरीज़ बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। और आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहा है ठीक ठाक, पता नहीं क्या हो रहा है, YouTube भी ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, शायद गैप के वजह से। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगा गैप को थोड़ा कम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का। तो वीडियो को देखो गाइस, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे किसी सीरीज़ में और दूसरे किसी वीडियो में।